वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपका दोस्त मेहता आलम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कोरोना वायरस के कुछ फैक्ट्स के बारे में जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। जैसे कोरोना वायरस, ये वायरस एक्चुअल में है क्या, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी और ये काम कैसे करता है, कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस ही क्यों पड़ा, और सबसे अहम सवाल ये कि इसकी वैक्सीन कब बनेगी, वैक्सीन बनने में क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आए। तो बिना वक्त जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस पहली बार सन 1960 के करीब में साउथ चाइना के वुहान शहर सी फूड मार्केट से आया, क्योंकि सी फूड मार्केट में सभी प्रकार की मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स सेल होते थे। दरअसल कोरोना वायरस पहले जानवरों में पाया जाता था और ये जानवरों में पाया जाने वाला ही वायरस है। रिसर्चर्स के मुताबिक कोरोना वायरस चमगादड़ों से निकला है और किसी एक इंसान को इन्फेक्ट किया, उसके बाद 31 दिसंबर 2019 से ये फैलना शुरू हो गया। फैलते फैलते ये पूरे विश्व भर में फैल गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक कोरोना वायरस से बचने के लिए ना कोई वैक्सीन बना है और ना अभी तक ये पता चला है कि कोरोना वायरस किस जानवर से आया है। आपको बता दें कि जब हमारे साइंटिस्ट और ज्यादा रिसर्च किए तब जाके पता चला कि कोरोना वायरस मल्टीपल जानवरों से आया है। ऐसे में अभी तक कोई श्योर जानकारी नहीं है कि कोरोना वायरस किस जानवर से आया है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस ही क्यों पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस के सरफेस पे प्रोट्यूजन्स यानी कुछ इस तरह से निकला होता है, जैसे एम्परर के क्राउन जैसा लगता है। ये जो शेप है इसे हम क्राउन कहते हैं, क्राउन से कोरोना, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। ये जो वायरस के सरफेस पे निकला हुआ है ये प्रोटीन से बना होता है और इसी वजह से ये किसी को भी इन्फेक्ट कर देता है। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तब जाके पता चला कि इस वायरस के कई सारे डाइवर्स ग्रुप है जो कि इन्फेक्ट करते हैं इंसानों और जानवरों को, जिसमें पिग्स और चिकन को भी शामिल किया गया है। इसी वजह से चिकन खाने को मना किया गया था। जब किसी इंसान को कोरोना वायरस होता है तो सबसे पहले उसे सर्दी खांसी होती है, खांसी में भी कौन सी, सूखी खांसी, फिर सांस लेने में तकलीफ होती है यानी सांस फूलने लगता है, थका हुआ महसूस होता है, फिर बुखार लगता है, निमोनिया या किडनी फेलियर भी हो सकता है। इस केस में फ्लू एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, यानी आंत से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना वायरस 1960 के करीब में आया था और दिसंबर 2019 में जो कोरोना वायरस आया है, बेसिकली ये एक कोरोना वायरस का ही कैटेगरी है। 2002 और 2003 के अंदर जो एपिडेमिक सार्स हुआ था, सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये उसी प्रकार का कोरोना वायरस है। अभी जो लेटेस्ट में कोरोना वायरस है उसे एनकोव के नाम से भी जाना जाता है। एनकोव यानी नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल का मतलब हुआ नया। ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों कोरोना वायरस है लेकिन आज तक सिर्फ 7 कोरोना वायरस के बारे में ही पता चला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नोवेल कोरोना वायरस ये 7वां कोरोना वायरस है जो कि प्रेजेंट में चल रहा है। इससे पहले मर्स भी हुआ था, मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सारे डिफरेंट पार्ट्स है कोरोना वायरस के। इन डिजीज को जूनोटिक डिजीज कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वायरस जानवरों से आया है और इस बीमारी को पैंडेमिक घोषित कर दिया गया है, यानी महामारी। इसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया तो उसे निमोनिया भी हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है, फिलीपींस के एक 44 साल के व्यक्ति को कोरोना वायरस से निमोनिया हो गया और फिर उसकी मौत हो गई। ये कम्युनिकेबल डिसीज है। अगर कोई हाथ मिलाता है, खांसता है या छींकता है तो उससे कोरोना वायरस फैलता है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जमाना इतना फास्ट है, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है और साइंटिस्ट लोगों के पास इतना सारा दिमाग है, फिर भी वैक्सीन बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है और क्यों हमारे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि आप घर में रहें। दोस्तों, कोरोना वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है, इतनी तेजी से फैल रहा है कि जब तक इसका सिम्टम पता चले तब तक हजारों लोगों के अंदर ये फैल चुका होता है। ऐसा ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन का तरीका अपनाया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में कैसे फैलता है। जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया, फिर वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करते करते लाखों लोगों में कोरोना वायरस फैल जाता है। पर अब बात आती है कि हमारे शरीर में कैसे जाता है। कोरोना वायरस डायरेक्ट हमारे बॉडी में नहीं जा सकता क्योंकि हमारे बॉडी में तो स्किन है, उसको जाना होता है आपके बॉडी के अंदर। अंदर जाने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता होना चाहिए और वो रास्ता है आपका आंख,
नाक और मुंह, इनमें से किसी भी रास्ते से वायरस आपके शरीर में जाता है, फिर आपके लंग्स को यानी फेफड़े को फ्रीज कर देता है और जब आप सांस लेंगे तो वो फूल नहीं पाएगा, जिससे ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं जाएगा। जब ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं पहुंचेगा तो इससे आपकी मौत हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना वायरस से बचे कैसे? इसका सिंपल सा आंसर है, जिन लोगों को ये वायरस हुआ है उन लोगों के पास ना जाएं। मैं आपको एक इजी एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लैपटॉप है और उसमें एक एंटीवायरस इंस्टॉल है। जब भी कोई वायरस मेरे लैपटॉप में आने की कोशिश करेगा, चाहे वो पेन ड्राइव के माध्यम से हो या इंटरनेट से हो, तो एंटीवायरस क्या करेगा? उस वायरस को फौरन स्कैन करेगा और उसे खत्म कर देगा। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में भी यही प्रोसेस होता है, जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे इंसान के पास बॉडीगार्ड्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक उसी तरह आपके बॉडी में भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो सारे वायरस को आसानी से खत्म कर देगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो वायरस आप पे बुरी तरह से हावी हो जाएगा और इम्यून सिस्टम अपना पावर लूज करने लगेगा। ऐसे में आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और अगर आपको कोरोना वायरस हो गया, अल्लाह ना करे कि हो, बट अगर हो भी गया तो थोड़ी सी सर्दी खांसी होगी और जल्दी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, कमजोर है, तो आपको हॉस्पिटल जाना भी पड़ सकता है, इवन आपकी मौत भी हो सकती है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों की हुई भी है, जिनमें ज्यादातर लोग बूढ़े थे। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग और हेल्दी रखने के लिए हरी हरी सब्जियां खाएं और जंक फूड को छोड़ दें। जंक फूड को कहें तलाक 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 और हरी सब्जियां को कहें कबूल है कबूल है कबूल है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग और हेल्दी रखने के लिए फ्रूट्स खाएं, जैसे लेमन और ऑरेंज वगैरह। जिस चीज में विटामिन सी है वो खाएं। विटामिन सी से आपका इम्यून सिस्टम में मौजूद WBC बढ़ता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आपको खरोच आता है तो पानी जैसा कुछ निकलता है ना, उसे हम कहते हैं WBC। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे शरीर में वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। जब आपको वायरस अटैक करता है और आपको बुखार लगता है ना, तो समझिए आपके शरीर में इम्यून सिस्टम के बॉडीगार्ड्स उस वक्त वायरस से लड़ रहे होते हैं। तभी आपके शरीर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसे हम आम भाषा में बुखार लगना कहते हैं। इम्यून सिस्टम के पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आपका हाथ कट जाए, आपके शरीर में इम्यून सिस्टम नहीं रहेगा, तो समझिए आपकी मौत पक्की है, क्योंकि वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम काम आता है। अगर इम्यून सिस्टम रहेगा ही नहीं तो कौन लड़ेगा? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो दोबारा क्यों नहीं होता? इसका कारण यह है कि हमारा बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। मतलब ये कि चिकन पॉक्स की जो डिटेल्स होती है वो बॉडी के टी सेल में रिकॉर्ड हो जाती है। इसलिए जब कोई वायरस अटैक करता है तो टी सेल में रिकॉर्ड हुए उस वायरस की डिटेल्स के बेस पे इम्यून सिस्टम के बॉडीगार्ड्स उस वायरस को खत्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस वायरस से लड़ना कैसे है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि वाकई अगर इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल है तो ये कोरोना वायरस से क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? इसका कारण ये है कि अभी जो कोरोना वायरस है ये नया है और हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को पता नहीं है कि इसे लड़ना कैसे है, इसे खत्म कैसे करना है। इसलिए इम्यून सिस्टम को समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है। दोस्तों, हमारी बॉडी में कोई भी वायरस आता है तो हमारी बॉडी उसकी एक एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी बनाने के बाद उस वायरस को खत्म कर देती है। लेकिन ये कोरोना वायरस नया है, इसलिए इसकी एंटीबॉडीज बनाने में 8 से 10 दिन का टाइम लग रहा है। जिसकी उम्र 50 से ज्यादा और 19 से कम है तो उनकी इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक रहता है। ऐसे में वायरस अपना काम बहुत ही तेजी से कर पाता है, यानी शरीर के अंदर जाकर खुद को रेप्लिकेट करते हैं, यानी खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। इस वायरस का मेन मकसद होता है लंग्स को ब्रेक करना। जितने भी लोग कोरोना वायरस से मरे हैं उनमें से ज्यादातर लोग डायबिटीज पेशेंट थे और कुछ बच्चे भी थे। और जो लोग बीच की एज वाले हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और जो लोग ठीक हो रहे हैं, तो समझिए उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कब बनेगी? वैक्सीन बनाने के लिए वायरस को पकड़ना होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना होता है, उसको इनएफेक्टिव बनाना पड़ता है, ताकि वो वायरस किसी के शरीर में इंजेक्ट करने पर असर ना करे। तो होता यह है कि वायरस को काटकर एक छोटा सा पार्ट बनाकर, जिसे नुकसान ना हो, उसको न्यूट्रलाइज करके इंसान के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद बॉडी को एंटीबॉडी बनाने में 8 से 10 दिन लगते हैं।
जब किसी इंसान की एंटीबॉडी बन जाती है तो उसके बाद उसके ब्लड में से वो एंटीबॉडी निकालकर उसकी वैक्सीन लोगों में दी जाएगी। वैक्सीन बनाना इतना भी आसान काम नहीं है, इतिहास गवाह है। आज तक ऐसा कोई भी वैक्सीन नहीं बना जो एक साल से पहले बनी हो। वैक्सीन बनाने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग ही जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे वायरस को पकड़ना होता है, उसको न्यूट्रलाइज करके किसी एनिमल में इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसके एंटीबॉडी दूसरे एनिमल में डाला जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, इसलिए एनिमल्स वाली जो स्टेप है उसको स्किप कर दिया गया है। अब डायरेक्टली इंसानों के अंदर ही एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में एंटीबॉडी को निकालकर दूसरे इंसानों के अंदर डालेंगे, फिर ये देखेंगे कि उस एंटीबॉडी का क्या रिएक्शन है, कहीं ये नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, इससे कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं वैक्सीन बनाने के चक्कर में कोई खतरनाक वायरस न बन जाए। इसलिए बहुत सारी रिसर्च होती है बहुत से लोगों के अंदर, ये चेक किया जाता है कि कहीं ये साइड इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, दूसरी बीमारियों के साथ कैसा रिएक्ट करता है और केमिकल के साथ कैसा रिएक्ट करता है, अलग अलग देशों में अलग अलग एज के साथ कैसा रिएक्ट करता है, वो सारी की सारी चीजें एकदम बारीकी से चेक की जाती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तभी अप्रूवल मिलती है, उसके बाद ही मार्केट में वो वैक्सीन लाया जाता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन 2021 के पहले बनाना इम्पॉसिबल है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहता है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन बन गया है तो समझिए वो झूठी अफवाह फैला रहा है, क्योंकि आज तक कोई भी वैक्सीन बना है तो 1 साल से ज्यादा ही टाइम लगा है, लेकिन 1 साल के अंदर नहीं बना है। 2003 में जो सार्स हुआ था उसका वैक्सीन बनाने में 1 साल 8 महीने लगे थे, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, अगर 1 साल के अंदर वैक्सीन बन जाता है तो समझिए इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। दोस्तों, ये कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, हर रोज सैकड़ों हजारों लोग मर रहे हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। अगर आपको खांसी बुखार सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप तुरंत चेकअप करवाएं। दोस्तों, ये वीडियो बनाना मेरी जिम्मेदारी थी और इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को पूरे देश भर में फैला दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, तो हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी जान पहचान के लोग हैं उन्हें ये शेयर करना ना भूले। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।